नहीं वाला तो बहुत कोई कुछ भी बोल सकता है। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते तो हम लोग को पता है नहीं कि क्लास कौन लेता है कौन नहीं लेता है। हम लोग माधुर्यम क्लास लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि माधुर्यम क्लास लेते हैं। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम लोग स्टूडेंट लिया गया है, हम लोग को पता है नहीं क्लास कौन लेगा कौन। ऑफलाइन क्लास सारा माधुरी मैम ही हम लोग का लिए हैं, जितना भी क्लास है एक भी क्लास मतलब वन सेमेस्टर लेके फोर्थ तक जितना भी क्लास हुआ है माधुरी मैम सब क्लास लिए पीजी का। वो सब बाहरी लोग वो गलत है, वो पहचानते भी नहीं उन लोग को कौन है कौन नहीं। हम लोग जो जानते हैं अपना पीजी का सबको पहचानते हैं ना, कभी क्लास में देखे हम लोग तो कभी देख भी नहीं किए हम लोग क्लास में ना कॉलेज में। ये सारी लड़ाई किसी बात की नहीं है, ये ऐसे छात्र हैं इनको फ़ोन करके ये बुलवाई हैं, और छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं ये कॉलेज के हैं ही नहीं, ये हर आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग भी प्रेस से हैं। कोई भी आंदोलन होता है तो यही दो चार छात्र रहते हैं और इनके पीछे वो कॉलेज के कुछ बच्चे रहते हैं उनको शामिल कर लेते हैं, जिन बच्चों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये घंटी आधारित अब शब्द हट गया है, ये आवश्यकता आधारित हो गई हैं, लेकिन इनका जो है आवश्यकता के हिसाब से क्लास होता है। 1 तारीख से 20 तारीख तक गर्मी छुट्टी थी, ये विभाग में उपस्थित भी नहीं थी, इसलिए इनका बिल कट गया, और बिल कट गया तो ये प्राचार्य पर दबाव बना रही हैं कि किसी भी तरह इनका बिल दिया जाए। और ये आंदोलन करा के ये चास कॉलेज से आई थी, ये चाहती हैं कि हमारा चास कॉलेज में फिर से स्थानांतरण कर दिया जाए।